ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं लाइक लॉर्ड शिवा। अब ये कैरेक्टर अगर जब बनाते हैं तो बनाते करना क्या होता है कि बेसिक हमें समझना पड़ता है, क्या हमें थोड़ा सा एनाटॉमी की नॉलेज लेनी पड़ती है। एनाटॉमी का बेसिक शेप क्या है, किस तरह से काम है, किस तरह से चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। लुक एंड फील कैसा है, तो एक सिंपल सा पार्ट, एक मेरे पास कैरेक्टर है यहाँ पे। कैरेक्टर के बारे में डिटेल देखोगे, इसमें गेम है, इसमें ये दे रखा है यहाँ पे, डिटेल्स अलग अलग हैं। लाइक लुक वाइज कैसे लेके आना है, तो लुक वाइज हम लोग कैसे काम करने वाले हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ लाइक कलेक्शन अच्छे रहते, कलेक्ट रेफरेंस प्रॉपर कलेक्ट करने पड़ेगा यहाँ पे। अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर, मैं ऐसे एज ए परसेक्टिव को भी मैं इसे डील कर सकता हूँ, परसेक्टिव में कैसे करेक्टर बना सकते हैं, बिना रेफरेंस भी काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टार्टिंग जब स्टूडेंट्स को जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको इन चीज़ों को निकालने के लिए क्या होता है, पहले उनको फ्रंट साइड का रेफरेंस चाहिए होता है कि भाई उनका रेफरेंस कैसा है, किस टाइप की चीज़ें हैं जिसको मैनेज किया जा सके यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, करेक्टर शीट लेते हैं, टर्न अराउंड में करेक्टर शीट मिलेगा यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ से अभी बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेलिंग वहाँ पे करके प्रोपोर्शन मैच कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एड्रेस कॉपी किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। माया में हम लोग यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे, अभी माया में जब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ तो माया में मुझे करना है क्या है, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा। पहला काम फाइल में गए यहाँ पे, ठीक है, सेट प्रोजेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, सेट प्रोजेक्ट कौन सा अगर मुझे पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, मुझे यहाँ पे जो काम करना है यहाँ पे वो मुझे यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। मैं सबको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ओके यहाँ पे मैं क्या ये पार्ट मुझे यहाँ पे देना है, ठीक है। तो या तो मैं ऐसे कर लूँ या फिर मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास है ना चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ। बाहर निकले यहाँ पे ठीक है, यहाँ से क्या जो है ठीक है लॉस्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है सेट कर दिया मैंने यहाँ पे क्रिएट डिफॉल्ट वर्कस्पेस, ठीक है। नहीं हुआ सेट प्रोजेक्ट यहाँ पे किया मैंने यहाँ पे आ गया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ओके। अभी यहाँ पे मैं करने वाला यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो डालता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में देखो ये पार्ट आया सेवन लॉर्ड्स शिवा, ठीक है। यहाँ पे जो कैरेक्टर का जो पार्ट है हमने जो नाम दिया वो आ गया यहाँ पे, ये सारे फोल्डर देखो यहाँ पे, फोल्डर नहीं है सारे फोल्डर बन जाएंगे, जैसे मैंने किया एक्सेप्ट ये सारे फोल्डर वहाँ पे बन जाएंगे, क्रॉस चेक जरूर कर लेना यहाँ पे, देखो सारे फोल्डर बन के आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर मैं फाइल स्टार्टिंग में जो मैं काम करता हूँ पे, तो मुझे यहाँ पे जो रेफरेंस है, रेफरेंस एंड सोर्स इमेजेस, जैसे मेरे पास ये है, ये मैं पे क्या करता हूँ कॉपी किया मैंने यहाँ पे, एज ए रेफरेंस में भी डाल सकता हूँ, सोर्स इमेजेस में भी डाल सकता हूँ आप यहाँ पे इमेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एड्रेस कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे माया में गए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास चार व्यूपोर्ट है, अभी चार व्यूपोर्ट यूज़ करने का टाइम आ गया है, ठीक है। फ्रंट में गए, व्यू में गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल द पार्ट इम्पोर्ट इमेज प्लेन, कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मेरे पास कैरेक्टर को मैनेज कैसे करना है, देखो मैं यहाँ पे मैनेज ऐसे भी कर सकता हूँ, ग्रिड को देखना और यानी आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, फ्रंट में फ्रंट आना चाहिए, ठीक है। अभी ये काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये काम मैं कटिंग फोटोशॉप में भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, तो दोनों काम है। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है, अगर लगता है आप लोग कंफर्टेबल नहीं हुए इसमें तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलता हूँ पहले फोटोशॉप में चलता हूँ, ताकि थोड़ा आपको बेस बता दूँ, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करते, ताकि तो सर बेस आपको आइडिया मिल जाए, तो आपका काम कैसे हो जाए वो आपको आइडिया मिल जाए। वहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने जो लॉस्ट का जो करेक्टर है यहाँ पे उनको भी मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, प्रोपोर्शनेट थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। अभी प्रोपोर्शन मेरे पास यहाँ पे काम करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे ओपन विथ किया मैंने यहाँ पे फोटोशॉप पे, ठीक है, वी प्रेस कर दिया, शिफ्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है, कंट्रोल टी करके मैं यहाँ पे मैनेज कर देता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे चीज़ को मैनेज करना है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, एंटर किया, ठीक है, फिल अमाउंट। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें दिख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल टी, तो ये मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा प्रोपोर्शन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास चीज़ें ऐसे को दिखाने यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसे दिखा दिया यहाँ पे। अभी ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैं क्या करने वाला, अभी ये प्रोपोर्शन यहाँ पे काम कर जाएगा, ठीक है, एक मेरे पास चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा पार्ट मुझे यहाँ पे डिवाइड करना आना चाहिए, डिवाइड करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे कंट्रोल आर रूलर आपको पता होगा, ठीक है, आप यहाँ रूलर्स लो, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखाना है आपको फ्रंट और साइड में यहाँ पे दिखाना है, तो ये आपने पार्ट लिया यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या काम करना है, ये एक जो पार्ट है ये आपको अलग से यहाँ पे डील करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप सिलेक्ट करो आप यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट दिखा, आप इसे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ रूलर से मैंने यहाँ फ्रंट और साइड, जो मेरे पास ज़्यादा मेजर काम चीज़ यहाँ पे है, देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एम प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे और मैं चीज़ को, तो मैं रुको यहाँ पे, जैसे देखो मैं आर्म्स कट रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं इतना पूरा पार्ट लेके आता हूँ, लेकिन मुझे आर्म्स भी चाहिए। आर्म्स बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को, कि भाई मेरे पास मसल्स कैसे हैं, चीज़ों को मैं कैसे डील कर सकता हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा
एक बार इतने ही पार्ट में लेने के लिए सजेस्ट करूँगा कि मैं रेफरेंस बहुत बढ़िया है, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप। यहाँ पे व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे फ्रंट को लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या कंट्रोल जे कॉपी कर लिया, वी प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक अलाइन, मैं सिंपल एक सेंटर लाइन पे मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे फ्रंट को लेके गए, फ्रंट को मैं यहाँ पे या तो ऐसे कर सकते हो आप, यहाँ पे स्विफ्ट प्रेस कैसे भी मैनेज कर दो तो भी आपको पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये जो अंदर से लाइनें जो ये आप मैनेज भी कर सकते हो, ये प्रॉपर मेजर है। कोई अगर आपने दूसरा रेफरेंस लिया वो उसमें काम नहीं करता तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, तो कंट्रोल जे कर दिया मैंने यहाँ पे, वी प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ प्रेस करके मैं यहाँ पे अभी ऊपर की तरफ लेके आना मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको तो आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे जो भी कोई काम करना वो कुछ इस टाइप से काम करना, फिल अमाउंट मैनेज कर लो यहाँ पे, देखो दिखेगा आपको यहाँ पे। तो ये पार्ट इसके अकॉर्डिंग सेंटर पर रहें, पहले इसको और इसको देखो यहाँ पे, ये दोनों पार्ट मैं यहाँ पे ऐसे अरेंज करूँगा फिल अमाउंट करके, मैच हो रहा नहीं हो रहा देखो यहाँ दिख रहा है, तो ये पार्ट आपको ऐसे मिल जाएगा। तो ऐसे करके रोस्टर कर लेना आप, यहाँ पे साइड में गए, साइड में ये फिल अमाउंट है आपका, रेफरेंस मैच करना जरूरी है, ठीक है। रेफरेंस अगर आप मैच करते हो तो आपके पास ये चीज़ें आएंगी कि कैसे आपको डील करना है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये पार्ट यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, इसको सेंटर पर रखोगे तो काम आपका हो जाएगा यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर काम करना है तो अब मैं इमेज को सेव करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे कैसे सेव करता हूँ, सी प्रेस कर देता हूँ, पहले इतना पार्ट को मैं कर देता हूँ, ये ले लिया मैंने, ठीक है, क्रॉप कर दिया यहाँ पे। ये देखो ये जो काम है वहाँ पे ऐसे लगा था, अभी यहाँ पे मैं सबको प्रॉपर नेम दे के सेट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला काम यहाँ पे देखता हूँ फ्रंट में जाके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल सेव एज, अभी देखो ऑटोमेटिक सोर्स इमेज में आ गया यहाँ पे, ठीक है। एफ और फ्रंट कर दिया मैंने 11 JPEG, ठीक है। यहाँ पे क्या इसका फाइल सेव एज बैक, ठीक है, 11 JPEG, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे लिया मैंने साइड, साइड में बस यहाँ पे चाहिए डिस्टर्ब ना करे तो मैंने यहाँ पे सॉलिड कलर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो इतना भी कट करके ले सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास फ्रंट साइड हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों को ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, वी जो मेरे पास दिख रहा है वी, देखो सेंटर में नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मेरे पास साइड वाला पार्ट है ना ये सेंटर में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं वहाँ पे भी अलाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सी फॉर क्रॉप, यहाँ पे मैंने इसको कहा चल भाई इधर से इधर आ जाओ और इधर से इधर आ जाओ, ठीक है। एंटर कर दिया, फाइल सेव एज, ठीक है, एस आई डी साइड एंड 11 JPEG, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पे और इनको मैं एक रॉ मटेरियल ऐसे सेव करके रख सकता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर शीट के नाम से, ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे काम क्या करना है, पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे अभी मैंने ये प्लेन लिया था, नहीं लेते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। फ्रंट पे गए, आप चाहो तो व्यू में जाके यहाँ पे फ्रंट में इमेज इंपोर्ट यहाँ पे ले लोगे यहाँ पे, तो फ्रंट आपका फ्रंट में आ जाएगा, देखो फ्रंट आपका यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे मैनेज कर लेना है, देखो सेंटर लाइन यहाँ पे, कोई भी काम करोगे ग्रेड के ऊपर करना है, तो पहले ले आओ इमेज ले आओ, ठीक है। साइड पे गए, व्यू पे गए, यहाँ पे क्या क्या इमेज इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, साइड, ओके। बैक बहुत कम नीड होता है, ठीक है, लेकिन हाँ बैक करना है तो मैं यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज करने के लिए यहाँ पर, अब देखो इमेज प्लेन मेरे पास एक ही है, ठीक है, तो मैं इसके साथ में डील कर सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे बैक चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट है, टॉप है, बैक व्यू आपका यहाँ पे आ गया। बैक व्यू में जाकर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, व्यू पे गए, आपने यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्ट कर दिया एंड यहाँ पे क्या बैक, ठीक है, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले काम चाहिए देखो यहाँ पे, ठीक है, अभी ये पार्ट आपको यहाँ पे सेंटर पर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पर, ओके। साइड पे गए, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, अभी देखो ये जो पूरा पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है, सबको सेलेक्ट करो, सबसे पहले काम फ्रंट पे गए, कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ, कौन सा सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मेरे ऐसा कुछ छूट रहा है, तो ग्रिड के ऊपर ही बनाना, ये आपको ध्यान देना है, वही ग्रिड के ऊपर ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे, तो ग्रिड के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे, ओके। अभी मेरी प्लानिंग ये होगी, अभी ये मेरे पास रेफरेंस हो गए, इन रेफरेंस को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, सबको सेलेक्ट कर दिया, लेयर पे मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, रेफरेंस यहाँ पे आर भी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे रेफरेंस कर दिया, ठीक है, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मेरे पास अभी क्या काम करना है, अभी देखो मुझे यहाँ पे जो काम करने वाला हूँ उसमें मेरे से पहले प्लानिंग क्या होगी, मैं पहले बेस में सिस्टम में बनाऊंगा और उसके बाद मैं जीबस में लेके जाऊंगा,
ठीक है। अभी आप लोगों को क्या काम करना है, सबसे पहले आपको बेस स्टडी करना है। तो बेस स्टडी करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे एक प्रोसेस को आपको यहाँ पे देखना है कि भाई कार्टून कैरेक्टर है तो मैं कोई भी कैरेक्टर में अगर चीज को मैं रेडी करने वाला, तो पहले बेसिक आपको यहाँ पे कवर करना है। तो आप यहाँ पे चैनल पे जाके कोई भी, जैसे आप यहाँ पे गए वीडियोस पे, यहाँ पे सर्च करो जैसे कैरेक्टर कार्टून CHARAC कैरेक्टर, तो ये आपको कोई भी एक कैरेक्टर आपको कंप्लीट करना है। जैसे देखो कैरेक्टर पूरा प्रोसेस दे रखा है इसका प्रॉपर जो भी है, तो उसको आप देखोगे तो उसको मैंने मॉडल अनमैप टेक्सचर करते करते ये पूरे पार्ट्स बना रखे हैं यहाँ पे। तो इनको आपको कवर अप करना है कि भाई कैसे कैरेक्टर बनाते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये आपको साइड बाई साइड करना ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, ठीक है, कि कैसे आप क्या बना रहे हो, किस तरह से बना रहे हो, यहाँ पे बेसिक फंडा हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस में अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जस्ट मुझे क्रिएट करना है बेसिक शेप, ठीक है। बेसिक शेप क्रिएट करो तो बेसिक शेप में यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रेफरेंस में लॉक कर दिया, सेफ राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने क्या किया स्पेयर ले लेता यहाँ पे, ठीक है। स्पेयर लिया मैंने यहाँ पे, स्पेयर मेरे पास यहाँ पे आ गया। स्पेयर को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो एक मैंने स्पेयर ऐसा लिया है, ठीक है। अभी इसमें देखो ट्राइंगल है तो मेरे को स्कल्पिंग करने में दिक्कत आएगी, तो मैं एक बॉक्स लेता हूँ, सिर्फ टाइट लिखा बॉक्स लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या क्यूब लिया, यहाँ पे क्यूब को मैं स्पेयर बना लूँगा, तो स्विफ्ट एंड स्मूथ कर दो तो स्पेयर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तीन डिजाइन दिए मैंने अभी, यहाँ पे मैं ब्लॉकिंग करता हूँ यहाँ पे, तो फ्रंट में मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैंने पार्ट यहाँ पे एड ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ऐसा प्रोसेस को यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे स्कल टूल यूज करना है, क्या स्कल टूल आओ यहाँ पे। अभी वो एक प्रोसेस था जब आपको क्या काम करना है कि आपको एक एक करके एक शूट करना था, अभी ये दूसरा एक एडवांस प्रोसेस है जिसमें आपको क्या करना है, आपको देखो मुझे मैनेज करना है, तो मैं मैनेज कैसे करने वाला हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन है इनको समझना है, ठीक है। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस है, यहाँ पे मैंने एक ग्रैब टूल यहाँ पे ऊपर से क्लिक किया मैंने, ठीक है। ग्रैब टूल है, ग्रैब टूल क्या काम करता है बताता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। ग्रैब टूल लिखना है साइज बी, अभी यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये खींच रहा है, ठीक है। तो अभी ये ये यहाँ पे खींच रहा है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ डिस्प्ले पे गए, यहाँ पे चीज़ हमको मिल रही यहाँ पे, ठीक है। ब्रशेस है मेरे पास यहाँ पे, ग्रैब है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये शिफ्ट प्रेस करोगे तो आपके यहाँ पे टूल्स आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर टूल्स में आपको यहाँ पे देखना है कि भाई मुझे यहाँ पे फॉल ऑफ है, डिस्प्ले है, और देन यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ। स्कल्प पे गए, स्कल्प यहाँ पे देखना है, स्कल्प यहाँ पे। अभी इसके अंदर मुझे सबसे पहली चीज़ ढूंढना है कि भाई मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे जब आप मॉडल बनाते हो, अभी जैसे सिंपल था बट अगर आप किसी चीज़ को लेके आते हो, कैरेक्टर की हाइट कितनी होती है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब कैरेक्टर बना रहे हो, कैरेक्टर की हाइट कितनी है क्या हमें पता है, ठीक है। हम लोग एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर लेते हैं वो उसका हम लोग 6 फीट हाइट लेते हैं, ठीक है। तो 6 फीट के हिसाब से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या काम करने वाला हूँ, चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करने वाला। तो यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट सेटिंग में गए, अब यहाँ पे छोटे सा पार्ट है, ठीक है। सेटिंग में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिट करके आपको फुट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखना है फुट करके आप देखो तो यहाँ पे चीज़ ऐसे मिलेगी, बहुत छोटा है। यही काम अगर जीवो से लेगा तो मुझे यहाँ पे स्केल करना पड़ जाता है क्या, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने कहा भाई 1 फीट का ग्रिड होता है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ग्रिड में क्या मेजर टूल मिलता है आपको यहाँ पे, मेजर टूल डिस्टेंस, ठीक है। ये ग्रिड ऑप्शन ऑन करोगे, यहाँ क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देखो ग्रिड ये काम नहीं कर रहा, मैंने इस पर ग्रिड पे काम किया। सिमिलर ये स्नैपिंग टूल है, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक आ गया, तो मुझे यहाँ पे पता है अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे जैसे मैं लेके आऊँ देखो अपने आप बढ़ते जा रहा था, यहाँ पे नंबर दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है, यहाँ पे चीज़ों को लेके चलना है। ये देखो जब सुपर हीरोज होते हैं, ठीक है, तो उन पे हम लोग थोड़ा सा प्रोपोर्शन और मैनेज करते हैं, 6, 6.5 फीट, 7 फीट, 8 फीट, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को मैनेज करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक बेसिक फंडा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे मैं अगर काम कर रहा हूँ पे तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो ये पार्ट मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया सबको, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ मेरे पास सब कुछ पार्ट सेलेक्टेड है यहाँ पे। अभी मैं इनको मैं स्केल करूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैनेज कर दिया यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे इसको स्केल करना है। देखो स्केल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। मेजर टूल है, मेजर टूल में यहाँ पे सेलेक्ट करें, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये यहाँ पर मैंने लॉक कर रखा तो नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसे स्केल करता हूँ, ठीक है। मैंने स्केल कैसे करता हूँ, मैं स्केल आर प्रेस करके मैं स्केल कर सकता हूँ ऐसा, यूनिवर्सल स्केल कर सकता हूँ यहाँ पे 1, 2 एंड यहाँ पे देखो मैं इसे बैक वाले पार्ट को मुझे थोड़ा सा मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट नहीं होता,
ये पार्ट मेरे सेवन सेलेक्ट हुआ तो मुझे मेक श्योर कभी कभी आप ऐसी चीज़ फेस करोगे आप यहाँ पे देखो सब एक साथ हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं स्केल करूँ तो स्केल करने में बस 20 से हो रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट प्रेस करना है और मैंने यहाँ पे एक्स प्रेस करके नीचे ले गया, ठीक है, आर प्रेस कर दिया। अभी मैं यहाँ पे करूँ तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ से दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला काम आपको प्रपोर्शन सेट कर लेना आप यहाँ पे देखो, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ओके क्लियर। उसके बाद हमारा छोटा सा स्पेयर था, मैंने छोटे से स्पेयर को मैंने यहाँ पे रखा, कुछ छूट गया था मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्योंकि टूल्स मेरे पास बहुत छोटे छोटे काम कर रहे थे, देख रहे हैं आपके यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैनेज तो किया, ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, मेरा आर5 स्केल ये देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला काम ये मेरे पास फ्रंट है, तो फ्रंट को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले बेसिक्स समझ जाएँ क्या, बेसिक्स समझ जाए तो मेरे पास काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास ऐसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, H4 हाइट ये मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये ग्रिड लाइन को मैंने इसको यहाँ पे ऐसे मैंने मैच कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट के पास हो गया, यहाँ पे फ्रंट हो गया, साइड मेरे पास यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा सा मैं मैच करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, तो पहले बेसिक देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे बॉक्स स्पेयर मैंने बनाया है बॉक्स का, ठीक है, ऑल टच। अभी मैं इस पर स्कल्पिंग करने वाला हूँ, स्कल्पिंग में यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे मैं बस मूव टूल है, देखो यहाँ पे पहले मैं मूव कर पा रहा नहीं कर पा रहा, देखो 20 लग के यहाँ पे, देखो मूव मेरे पास यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं स्कल्प करता हूँ, स्कल्प पे यहाँ पे देखो, स्कल्प में मैं बस चीज़ें क्या देखा है, यहाँ पे सिमेट्री मिलता है, यहाँ पे सिमेट्री में मैं एक्स पे काम करूँ यहाँ पे, तो ये मैं बस ऐसे काम हो रहा है कर सकता हूँ पे। तो ये बेसिक मुझे समझ में आना चाहिए, ये मैंने लिया ग्रैब मैन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास ये काम कर रहा है यहाँ पे, तो मैंने बी से ब्रश लिया यहाँ पे और मैं शेप को थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं कुछ चीज़ों को ऐसे कुछ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये तो कोई बेसिक ऐसे बनाने में कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, यही टाइम अगर मैं उसमें काम करता ना, जैसे मैं मैनुअल में काम करता हूँ टाइम लगेगा, आप देखना उसमें उसमें कुछ चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, देखो ये पार्ट दिखना है यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या पता चला, मेरा फ्रंट का फेस तो इधर है, मेरा साइड का फेस अपोजिट में जा रहा है, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ, डब्ल्यू प्रेस किया मैंने यहाँ पे, साइड को मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो रोटेशन पे जाते हैं यहाँ पे, रोटेशन इज इट पॉसिबल यहाँ से देखना है, रोटेशन में यहाँ पे लेके जाऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी ऐसा 90 है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ -90 करके देखो, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो मेक श्योर आपको ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्रंट पे किया, साइड पे किया, दोनों पार्ट को लेकर जाता हूँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो ये चीज़ मुझे हटाना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में यही बताया, स्पेस बार यहाँ देखो, टाइम स्लाइडर ऑफ कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे रेंज स्लाइडर जो चीज़ मुझे अभी काम की नहीं है उसे हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या टाइम स्लाइडर हटा, हेल्पलाइन ये पे हटा दिया, तो मैं बस थोड़ा सा रिपोर्ट भरा हो गया यहाँ पे। मुझे अभी फिलहाल में यहाँ पे आउटलाइनर भी नहीं चाहिए, देखो देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं उस चीज़ के सिर में अगर यहाँ पे काम करता हूँ, देखो मेरे पास व्यू है यहाँ पे, गए सिंपल हाइपरग्राफ एक एक व्यू बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 व्यू पे ही मैं आता हूँ, क्लिक करता हूँ 4 व्यू दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आउटलाइनर चलो रहने देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो कस्टमाइज़ कर देता हूँ यहाँ पे, ये पार्ट मैंने थोड़ा सा इधर मैंने मैनेज कर दिया, ठीक। तो मेरे पास जो काम की चाहिए वो मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो व्हाट आई वांट, ग्रैब पे गए, ग्रैब पे जाने के बाद ग्रैब है सेलेक्ट करना, पहले मॉडल को मॉडल सेलेक्ट करो, ग्रैब लिया पे, ठीक है। ग्रैब से मैंने अभी क्या किया, ये देखो पे आराम से करना, बहुत मज़ेदार मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आपको मतलब काम करते मजा आएगा यहाँ पे, देखो पे सीख दिखा पे कैसे मैच कर सकते हो आप यहाँ पे देखो, ठीक है। ये बेसिक सेट मैंने यहाँ पे दिया, हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल मैं इसकी कॉपी ले लूँ, कंट्रोल डी, ठीक है। अभी ये जो हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो पूरी पूरी बॉडी होती है, ठीक है, पूरी पूरी बॉडी के जो अगर मैं बेसिक एनाटॉमी बताऊँ तो क्या होता है, 8-headed होते हैं, ठीक है। जब मैं कहता हूँ शिफ्ट डी शिफ्ट डी, तो ये 8-headed के आसपास होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8-headed के आसपास यहाँ पे चीज़ होती है। अगर मैं तो ऐसे चीज़ों को मैनेज कर दूँ, स्टैंडर्ड कैरेक्टर की जो हाइट होगी वो 8-headed होगी, ठीक है। तो कैरेक्टर में आपको ये चीज़ आपको ध्यान देना, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये भाई ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ताकि मेरे पास एक बेसिक रहे, ठीक है, कंट्रोल जी बेसिक प्रपोर्शन हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे अभी टॉर्सो बनाना है, ठीक है, टॉर्सो बनाने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी इन सब चीज़ की मुझे नीड नहीं है, तो मैंने लॉक कर दिया यहाँ पे, डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको डिलीट किया ना, इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे,
और इसको भी छोड़ दो यहाँ पे, ये छोड़ दो भाई यहाँ पे, इसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मुझे अभी इसको थोड़ा सा मैनेज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या सिंपल सा पार्ट, ये पार्ट मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे मैं खींच खाच के मैनेज कर रहा हूँ ठीक है। अभी देखो ये मैक्सिमाइज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बी से ब्रश, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं मैनेज कर देता हूँ कि मुझे अगर कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चीज़ों को थोड़ा सा इसमें बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे साइज, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फॉर अ टाइमिंग ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा घींच देता हूँ पे, पार्ट में बस कैसे आ रहा है, यहाँ पे सेगमेंट कम नज़र आ रहा है, मैं सेगमेंट में बढ़ाऊँगा पे। तो पहले मैं अभी यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ही बना रहा था, ठीक है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे लेके आता हूँ, देखो यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने सेट किया। देखो ये साइड से मुझे पार्ट को यहाँ पे मुझे मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे ये पार्ट देखा आपके पास, ये देखो आपके पास, ठीक है। बेसिक शेप कैसा आ रहा है आपको, ये बेसिक शेप को आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का पैसे आराम से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक शेप आपके साथ है क्या, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने मैनेज किया भाई, थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पार्ट आपका, यहाँ पे ये जो डिटेल्स वाला पार्ट है वो मुझे अभी थोड़ा सा देना पड़ेगा, लेकिन मैं कैसे दूंगा दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, शिफ्ट एंड डी स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आता हूँ, लाइक यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा डील करूँ यहाँ पे, मैं बस डिवीजन आया यहाँ, ठीक है। डिवीजन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मैं बस यहाँ पे स्कल टूल आ रहा है यहाँ पे, तो स्कल टूल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मॉडल सेलेक्टेड है यहाँ पे, देखो ठीक है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ मैंने कम किया यहाँ पे, और देन तो मैं चीज़ों को मैं नॉर्मली चीज़ों को मैं ऐसे स्कल्प करके मैनेज करता हूँ, सिर्फ प्रेस करोगे स्मूथ हो जाएगा यहाँ पे। तो जहाँ पे उस चीज़ को आपको मैनेज करना है मैनेज कर सकता है, देखो। तो मैं थोड़ा सा इधर से मैं थोड़ा सा स्कल्प करके मैं थोड़ा सा मैनेज करूँगा भाई, मुझे यहाँ पे कुछ सेगमेंट चाहिए, स्विफ्ट एंड स्मूथ स्कल्प करो, आप मूव के साथ आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तो स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा, मुझे स्ट्रक्चर के साथ कैसे डील करना है पे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो आप स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मूव टूल स्पेस बार देन स्विफ्ट प्रेस करो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है स्विफ्ट एंड राइट क्लिक, ठीक है। ग्रैब टूल आपको मिलेगा यहाँ पे, अब इन चीज़ को थोड़ा सा आप मैनेज भी कर सकते हैं अपने पे, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, अभी स्ट्रक्चर में कैसे थोड़ा सा एनाटॉमी देखें यहाँ पे। एनाटॉमी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ एक मैंने रॉ मटेरियल रेडी रखा है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ यहाँ पे तो मुझे किस टाइप से काम करना है। मेल एनाटॉमी में एनाटॉमी चार्ट को थोड़ा सा देखते हैं पे, मेरे पास एनाटॉमी चार्ट कैसा है, नहीं मेरे पास एनाटॉमी चार्ट ऐसा है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं, बस जस्ट ब्लॉकिंग ही करने वाला हूँ, तो ब्लॉकिंग में यहाँ पे क्या करता हूँ थोड़ा सा पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा दूंगा भाई, मैं बस कैसा चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ यही पार्ट ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे ये पार्ट ऐसे जस्ट ब्लॉकिंग कर देना ताकि मेरे पास यहाँ पे काम हो सके यहाँ पे। मैं सो जीवस में जाके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये स्पेस बार में देखा साइड में दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं अगर देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फोर प्रेस करो, तो फोर प्रेस में आपको देखना है शेप को कैसे मैनेज करना है। तो आप यहाँ पे बी प्रेस कर रखा आपने यहाँ पे, देखो चेस्ट आपका यहाँ पे ये नेक वाला पार्ट आपका अंदर की तरफ गया, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप देखने के लिए आप यहाँ पे व्यू पे देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, ये चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ पे, देखो ठीक है। तो कैसा बेसिक शेप है, किस टाइप से स्ट्रक्चर है, ओके, किस टाइप से आप चीज़ को मैनेज कर सकते हो, तो ये बेसिक सा पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस को कैसे जल्दी कर सकते हैं, ये एक सिंपल सा वे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको साइड व्यू में कैसे काम करना है, तो साइड व्यू को कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट आपके यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा लिटिल बिट में यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, ब्लॉकिंग में यहाँ पे थोड़ा सा मैं कवर अप कर देता हूँ यहाँ पे, मैंने चीज़ों को मैनेज किया। अभी साइड से मैंने यहाँ पे किया, लेकिन देखो यहाँ साइड से करने का मेरे पास देखो रेफरेंस को मैं ऑफ करके देखूँ यहाँ पे, ये मैं चीज़ ऐसी दिख रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैक्सिमाइज किया मैंने यहाँ पे, डब्ल्यू प्रेस किया, मुझे थोड़ा सा एक आइडिया, अगर मुझे थोड़ा सा फ्रंट साइड से आइडिया मिल गया तो मैं काम कर लूँगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डील करना है, तो स्विफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, टूल्स बहुत हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, स्विफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे स्कल्प टूल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको वैक्स करके यहाँ पे एक टूल मिलेगा, ठीक है, बी। एंड देन यहाँ पे स्ट्रेंथ, एम से स्ट्रेंथ कम होता है यहाँ पे, तो स्कल्पिंग थोड़ा सा आपको कमांड सेट करना है आपको यहाँ पे,
देखना भैया, जो पार्ट देखना आपका यहाँ पे, हाँ बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे थोड़ा सा ले सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, ये देखना पे। तो अगर मुझे तो ऐसा एनाटॉमी पता है तो मैं यहाँ पे तो ऐसा एनाटॉमी वैसे उस चीज़ को डील करूँगा आप पे। ये आपका डेल्टॉइड वाला पार्ट होता है, तो डेल्टॉइड में ये बी प्रेस किया मैंने यहाँ पे, एम मेरा बाहर आएगा तो ये चीज़ को और बाहर लेकर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर तो ऐसा मैं यहाँ पे चीज़ को दिखाऊंगा, मेरे सेप्स कैसे जा रहा है, देखो ये मसल्स आपका बैक मसल्स ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से जा रहे हैं यहाँ पे। ये पीछे वाला पार्ट आपका थोड़ा ब्रॉड होता है यहाँ पे, देखो आप मसल्स को थोड़ा सा देखोगे, सिर्फ प्रेस करो यहाँ पे, मैनेज करो आप यहाँ पे, तो चीज़ों का थोड़ा सा फुलफिल कर पाओगे आप यहाँ पे। तो इन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए आपके लिए थोड़ा सा बेटर वे है कि आपको थोड़ा सा काम आपको और बढ़िया कर देना है। आप चेस्ट वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अंदर कर रखा है, अभी देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ पे, बेसिक मैंने स्कल्प किया पे, तो चेस्ट वाला पार्ट आप यहाँ पे निकल जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा नेक वाले पार्ट का थोड़ा सा मैंने बढ़ाया यहाँ पे, स्ट्रेंथ मैंने थोड़ा सा बढ़ा कर दिया, ये बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक से स्ट्रक्चर मैंने आपको देखा भाई, मेरे पास अगर बेसिक से स्ट्रक्चर है तो मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ से काम कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे डिटेलिंग अभी ज़्यादा नहीं देनी, तो मैं जस्ट बेसिक काइंड ऑफ थोड़ा सा मैं डिटेलिंग दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कैसे काम कर सकता हूँ, स्विफ्ट एंड स्मूथ दे दूँगा यहाँ पे, तो स्विफ्ट के साथ यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ बैक वाला पार्ट यहाँ पे, देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, कंट्रोल प्रेस करके नेगेटिव स्कल्प होते हैं यहाँ पे, तो ये पार्ट आपके यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प करना है यहाँ पे, ये पार्ट आपका थोड़ा सा पीछे की तरफ से ऐसे आता है, बैक मसल्स आता है आपके यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देना है पे, ठीक है। फ्रंट से बैक दिखना चाहिए, जैसे फ्रंट से बैक दिखता है ना, तो ये आपका पार्ट यहाँ पे दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने किया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ना चाहिए मैंने पार्ट कर दिया, डिस्प्लेस एंड ऑल यहाँ पे रेफरेंस मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसी चीज़ में मैनेज करना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ है, मैं यहाँ पे देखो बाद में एक बार मैं थोड़ा सा एडजस्ट भी करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो बेसिक लुक एंड फील देने की कोशिश की, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया, तो मेरे पास मूव टूल मिलेगा, तो मैं मूव टूल से यहाँ पे मैं मैनेज भी करूँगा और इस तरीके से करेंगे ताकि मेरे पास जो चीज़ है वो थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये इस टाइप इस वे में थोड़ा सा मैनेज करेंगे ताकि चीज़ मेरे पास दिखा सकूँ। तो मैंने अभी क्या किया, जस्ट ब्लॉकिंग है, तो ब्लॉकिंग में मुझे इन सब चीज़ पर थोड़ा सा बेसिक ही वर्क करना है, मैं अभी डिटेलिंग पर नहीं जा रहा, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मेरा डिटेलिंग वाला काम स्टार्ट हो जाता है, जस्ट ब्लॉकिंग आप यहाँ पर काम कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अभी मैं यहाँ पे कहूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं घिंच घाच के काम इसको भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया, कुछ एक पार्ट है जैसे मैंने कंट्रोल डी यहाँ पे कर दिया और मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, करने के लिए यहाँ पे भी काम किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये पार्ट भी है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल डी, यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ, आर फॉर स्केल, ठीक है, स्केल किया मैंने यहाँ पे, हल्का सा मैंने एडजस्ट किया यहाँ पे, देखो रोटेशन जो दे रहा हूँ एक ही एंगल में दूंगा, क्लिक करना है यहाँ पे, एक ही एंगल लगा यहाँ पे, एंगल लग रहा है ऐसे एंगल में, ठीक है। इन पार्ट को मैं ऐसे कर रहा हूँ, कंट्रोल स्विफ्ट एंड यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट, तो ये ब्लॉक आपको सेट करना है। देखो अभी आप यहाँ पे मसल्स आप एड ऑन करना चाहते हो, तो ये मसल्स कैसे जा रहा है, एक मसल्स मेरे पास ऐसे जा रहा है, ठीक है, मैंने कहा चलो ऐसे आ रहा तो मैं ऐसे टर्न कर देता हूँ, ठीक है, एक मसल मेरे पास ऐसे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मसल्स कैसे आ रहा है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया और ये मैंने मसल्स ऐसे दिखाया, नो प्रॉब्लम, मसल्स ऐसे को जा रहा है, तो ये पार्ट आप ऐसे करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, तो ये ब्लॉकिंग आप ऐसे करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ये पार्ट हमने किया यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे मैंने, थोड़ा सा चीज़ को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये जो पार्ट मैं फ्रंट साइड से कर रहा हूँ वो भी मुझे यहाँ पे भी देखना है क्या, जैसे देखो ये फ्रंट पार्ट में यहाँ पे किया, ये पार्ट में यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो इन चीज़ को मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा रोटेशन भी दूंगा यहाँ पे, यहाँ पर सिंपल सिलेंडर से भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लगे, सिलेंडर आपका ज़्यादा काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या आपने स्केल कर दिया, आपने यहाँ पे स्केल आप चीज़ों का थोड़ा सा मैनेज करो तो मैनेज हो जाएगा यहाँ पे दिखा पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बस ये जो इमेज से पीछे चला गया, रेफरेंस को मैंने किया, मैंने कहा मुझे फ्रंट साइड अच्छा दिखना चाहिए, तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर रखा यहाँ पे, ठीक है, मैंने पीछे कर दिया, चलो पीछे आ जाओ, तो मुझे फ्रंट में देखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करना चाहूँ, देखो एडजस्टमेंट कैसे करना है, अभी मैं यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके काम करना है कि मुझे कैसी चीज़ को मैनेज कर सकें। देखो कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, इसका पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग से मैं मैनेज कर देता हूँ, देखो किस तरह सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देखो देख रहे आपके पास यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ठीक है। और फॉर स्केल ब्लॉकिंग करना है, ब्लॉकिंग में आपको ये तो आइडिया मिलना चाहिए, मैं सेफ कैसे यहाँ पे देखो इन ब्लॉकिंग में आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये दिख रहा है आपके यहाँ पे, ये सिर्फ दिख रहा है आपके पास यहाँ पे। अभी इनको एडजस्ट करने के बाद तरीके बहुत हैं, जैसे मैंने आपको देखो
कुछ टाइम पहले मैंने आपको क्या बताया, सरफेस पे गए हम लोग, यहाँ पे डिफॉर्मेंट पे गए, डिफॉर्मेंट में मेरे पास लेटिस था, लेटिस के साथ मैं पे 2x2 कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे भी ये लेटिस पॉइंट यहाँ पे गए, तो कैसे एडजस्ट कर सकता है। तो मैंने ये दिखाया भाई मेरे पास ऐसा कुछ चाहिए, तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे अप कर रखा, ये नीचे चाहिए और वो ऊपर चाहिए, तो मैं ऐसे करके मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया मेरे पास शेप कैसा है। ठीक है, अभी राइट क्लिक एन ऑब्जेक्ट मोड यहाँ पे गए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, 4 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग में अगर मैं जाऊँ तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने काम किया आल्फा स्केल। ठीक है, मसल्स देखो, मसल्स कह रहे हैं, ये मसल्स मेरे पास ऐसे जा रहे हैं, तो मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, पतला है मोटा है, आपको कैसे चीज़ को मैनेज करना है ये चीज़ को आपको थोड़ा यहाँ पे देखना है। ठीक है, आल्फा स्केल, तभी आपको एक ही बॉक्स से आपको ये सब चीज़ें मैनेज कर देना है, तो आपके लिए ईजी भी रहेगा, आप चीज़ों को मेंटेन भी कर लोगे आप यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को, देखो मैंने ऐसे दिखाया है कि मेरे ऐसे पार्ट है, मैं चाहूँ तो एक से भी निकाल लूँगा यहाँ पे, सिंपल था बंडा चीज़ों को। देखो यहाँ पे काम किया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा। ठीक है, आल्फा स्केल, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट देखा यहाँ पे, ये कैसे टिल्टेड है, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया था, जस्ट ब्लॉकिंग आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ये ब्लॉकिंग मैंने यहाँ पे सेट कर दिया पे। ठीक है, एच विस जैसे आपको डील करना है कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लॉकिंग आपने कैसे किया, ये देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता था, तो मेरे पास कुछ कुछ का ब्लॉकिंग मैं ऐसे डील करूँ। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को एडजस्ट करूँ, ये पार्ट यहाँ पे आ गया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को मैं घींच सकता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रैब टूल लिया, मैं ग्रैब को मैंने बोला चलो पीछे आ जा, तो खींच के कुछ पीछे कर दिया, हो सकता है तो मेरे को टाइम तो नहीं लगा यहाँ पे, तो बी प्रेस किया मैंने, हल्का सा मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इधर है, इधर मैंने कहा भाई इधर से आ जा ऐसे। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे देखना है, तो ये पार्ट में बस ऐसे भी आएगा, तो मैं ऐसे करके भी मैनेज कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, जितने आप छोटे छोटे मसल्स बना लोगे उतना आप इजी है, अलग से बना तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वहाँ पे आपको अलग से टाइम लगने वाला है। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे ये भी काम कर लूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ग्रैब पे गए, मैंने कहा चल भाई इधर आ जा। ठीक है, और बी प्रेस कर दिया मैंने, ये एक्सेप्ट कर दिया, तो मैंने ऐसे किया चल भाई ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखा पे कुछ चीज़ आपको और भी अलग दिखे यहाँ पे, बेसिक ब्लॉकिंग कैसे दिख रहा है, शेप्स को कैसे मैनेज करना है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करते हैं, मुझे यहाँ पे जस्ट बेसिक ब्लॉक रेडी करना है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे हैंड भी चाहिए, हैंड के लिए अगर आपको दिखाऊँ तो मेरे पास दिख रहा है हैंड, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हैंड यहाँ पे देखो फ्रंट है मेरे पास, एच फॉर हाइट ग्रुप में है क्या, देखो यहाँ पे बस बैक है कि नहीं, यहाँ पे डिस्प्ले सो एंड ऑल मेरी डाल दी, बैक के नीचे तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है चलो, अगर मेरे पास ऐसा कुछ आया तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल टी, मेरे पास अभी ये मेरे पास कॉपी है, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट फॉर अ टाइमिंग, ये देख देखा यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, तो मैं ये पार्ट में यहाँ पे भी रख सकता हूँ, डेल्टोइड के लिए काम आ जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू। ठीक है, तो ये डेल्टोइड के लिए काम आ जाएगा, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, कोई पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, आप कैसे मैनेज करने वालों इस डिपेंड ऑन यू। ठीक है, मूव टूल लिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने कहा भाई चल ऐसे कुछ आ जाए यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट में बस ऐसे कुछ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे, मूव टूल लिया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे दिखाना है, ये पार्ट में थोड़ा सा इधर से मैं दिखाऊँ वहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट कर दिया, अभी हम लोग इतना रफ बेसिक शेप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मेजर काम है स्कल्पिंग कहीं और जाके करना। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहूँ इसमें भी मैं टाइम दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं जाके काम करूँ तो मैं यहाँ पे भी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है देखो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने इसी का, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, अभी ये पार्ट में यहाँ पे आराम से दे सकता हूँ। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ये मैं कैसे काम कर सकता हूँ ये दिखा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, जो आपको जो टाइम टेकन चीज़ें जो जाने वाली है, देखो यहाँ पे आपका हैंड वाला पार्ट है, हैंड वाला पार्ट थोड़ा सा आपको सोच समझ के करना है। ठीक है, लेग वाले पार्ट में आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हैंड वाला पार्ट है ये आपको समझना है। देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो इस शेप को आपको कैसे मैनेज और मॉडिफाई करना है ये आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, ये शेप आप चाहो तो ऐसे भी करोगे, हाथ आपका जो रहेगा पूरा साइड वाइज आपका ऐसा रहेगा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, हल्का सा टर्न रहने वाला है। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया,
स्केलिंग हल्का सा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप सेक्टर में भी जाके देखो तो आप लिखा है कि ये पार्ट हल्का सा रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर चौक हल्का सा स्काइप कर ले आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा सा घिंचा से काम कर सकते हैं आप यहाँ पे, कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा घिंचना पड़े तो ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पे करना चाहो तो कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये पार्ट आप ऐसे यहाँ पे मैं घिस घास के एक शेप भी मैं कई शेप निकाल सकता हूँ यहाँ पे। शेप प्रेस करूँगा तो स्मूथ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को मैं यहाँ पे कैसे मैनेज करना है पे, ये पार्ट मैंने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, शेप एंड स्मूथ, ये पार्ट मैंने ऐसे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे करने के बाद मुझे फिर से एक काम क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे जब मैं रखूँगा तो स्कॉल का सा टर्न भी दूंगा यहाँ पे, वही टर्न आपका ऐसा आता है, ठीक है। रोटेशन नहीं आएगा आपका, हाँ जो ट्विस्ट होता है तो 45 डिग्री पर रोटेशन होता है। अगर मैं सिलेंडर से बनाऊंगा तो 45 डिग्री पर मैंने रोटेशन दिया है। आप चैनल पे आओगे तो वहाँ पर दूसरा एक मॉडल भी है फीमेल गर्ल का, उसे मैंने चीज़ भी दिखाई, तो थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। अभी क्या हमें रेफरेंस मैच करना है, तो रेफरेंस का मैं ऐसे भी डील कर लूँगा यहाँ पे, मैंने सेलेक्ट कर दिया ओके, ये पार्ट बस ऐसा है, ठीक है। शिफ्ट एंड स्मूथ करके देखो यहाँ पे, तो आपका काफ़ी चीज़ तो आपका ऐसे ही मैनेज हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर आपको शेप दिख रहा है आपको वहाँ पर मैनेज करो, अदरवाइज आप यहाँ पर स्मूथ कर दो। देखो स्मूथ करोगे तो शिफ्ट एंड स्मूथ, ये पार्ट आपके यहाँ पे तो ऐसा, ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया, खींच के देखो यहाँ पे, ये खींचा है नहीं खींचा देखो यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये जल्दी का प्रोसेस इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मतलब इससे हमारा काम बहुत जल्दी हो सकता है। देखो यहाँ पे दिखा यहाँ पे, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, डब्ल्यू प्रेस करते इसे सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड आपका स्कल्पमेंट्री टूल यहाँ पे आ गया। अभी मैं इसको यहाँ पे क्या काम करने वाला है, मैंने कहा भाई चल एक काम कर, इधर इधर थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा मैं मैनेज कर दूँ, तो फिर बस चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। देखो स्विफ्ट एंड स्मूथ ये पार्ट में बस कैसे जाने वाला है। अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा घिंच घास के पीछे करना है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये पार्ट मैंने मसल्स कौन सा मसल्स कहाँ जाता है, देखो इसके लिए मैंने मसल्स का पार्ट भी यहाँ पे दिखा रखा है। मसल्स कौन सा पार्ट कहाँ पे जाने वाला है, तो कैसे आपका ये जोड़ने वाला है, तो आप यहाँ पे इन चीज़ को ऐसे करके थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। रेफरेंस मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम चीज़ को थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे करके मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्राइसेप्स वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका बाइसेप्स वाला पार्ट है, इन चीज़ को मैं यहाँ पे बनाना चाहो बना सकता हूँ, थोड़ा टाइम देना चाहो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे जाकर ना जस्ट ब्लॉकिंग को मुझे रेडी कर देना यहाँ पे, वट आई वॉन्ट। यहाँ पे देखो यहाँ पे आप बारीकी से जाओ तो यहाँ पे तीन मसल तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ पे, अगर बारीकी से जाते हो तो, नहीं तो ऐसे भी करके आप काम हो जाएगा आपके यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे शेप्स को थोड़ा सा आर्ट फॉर स्केल कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे पार्ट है, ये पार्ट हमने यहाँ पे किया, अभी इसी को मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया और पीछे की तरफ लेके गया यहाँ पे, और मैं हिप वाला पार्ट इसी में से निकाल दूंगा। मुझे हिप वाला पार्ट बनाने में टाइम लगता है क्या, लेकिन इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आर्ट प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से थोड़ा सा इधर की तरफ कर दिया ऐसा कुछ, ठीक है। ये सिर्फ इधर ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। रेफरेंस ऑन करो यहाँ पे, तो हिप वाला पार्ट आपका देखो यहाँ से यही किया यहाँ पे, ठीक ऐसे कर दिया। मूव टूल मैंने यहाँ पे ले भाई, मूव टूल से मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने कर दिया, तो ये पार्ट मैं बस यहाँ पे आ गया। अभी ये पार्ट मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, रेफरेंस पे गए, इसी का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डुप्लीकेट कर दूँगा यहाँ पे। डुप्लीकेट कैसे कर लेंगे यहाँ पे, ये देखो ये मस पार्ट यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ये मैं सेप को मैंने ज़्यादा कुछ अलग नहीं किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये काम मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे, तो बस यहाँ पे चीज़ ऐसे ही दिख जाएंगे यहाँ पे। ये जो पार्ट है बस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा ये इधर की तरफ ऐसे, तो आर फोर स्केल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया तो मैनेज भी जाएगा। अभी देखो ये जो पार्ट है यहाँ पर बेसिक मैं मसल्स को कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, वो एक पार्ट मैंने आपको दिखाया कि मैं यहाँ पे चीज़ों का मैं मैनेज करने जा रहा हूँ, तो मुझे कैसे क्या काम करना है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं गया, इसके साथ मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। जैसे हमने आज क्या किया, ब्लॉकिंग कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लॉकिंग मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, रेफरेंस पे गए यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, देखो ये दिस वन 1 2 3 4 5, ठीक है, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये कर दिया कंबाइन, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू डी एन वी, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया एक्स पे डी एन एक्स, ठीक है। एडिट पे जाके डुप्लीकेट कर दो तो डुप्लीकेट आपका यहाँ पर हो जाएगा, डुप्लीकेट स्पेशल ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एडिट में गए, रिसेट एक्स है मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरा काम यहाँ पर हो गया, ठीक है। मेक श्योर एक चीज़ सही है तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, इस पर ज़्यादा वो मत करना। अगर लगे आपको यहाँ पर कहीं दिक्कत हो तो आप यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है, क्या मेरे पास रिट के सेंटर पे, तो आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सेम चीज़ ये 1 2 3 आपने यहाँ पे लिया,
W, ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ W D and X, ठीक है, आप कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट आपके यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड वर्ल्ड, पहले तो कंबाइन करो यहाँ पे, कंबाइन W D V एंड यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल, मैंने अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बनाया, जैसे फिंगर विंगर नहीं बनाया मैंने यहाँ पे, तो देखो ये हमारे पार्ट बनाने का मोटिव क्या हुआ था, ये पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया, बेसिक एक ब्लॉक मैंने रेडी कर दिया, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिख रही है, ठीक है, अभी मैं इन चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ जीबस में जाके, ठीक है, तो ये मेरे पार्ट यहाँ पे आ जाएगा कैसे मुझे चीज़ों को मैनेज करना है। तो मुझे जब बनाना है तो मैं अपने करेक्टर का, देखो करेक्टर को पोज वाइज बनाना, तो मैं पोज वाइज भी बना सकता हूँ, करेक्टर को मुझे मैनेज करना है मैं मैनेज भी कर सकता हूँ, हाथ पीछे दो और हैं, चार हैं, मुझे यहाँ पे दो से ही काम चलाना है, बाकी मैं उसमें डुप्लीकेट करके मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज हमारा इतना ब्लॉक हो गया, बाकी हम नेक्स्ट में उसका नेक्स्ट लेवल भी देखेंगे।